Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a very new concept for you, that is learning of concepts and principles. Okay, so it is under the syllabus of educational psychology, and this lecture will be useful for you as well as it is a conceptual understanding for you. तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लर्निंग ऑफ कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स. देखिए जो आपकी आपको पढ़ना है वो कंसेप्ट फॉर्मेशन है, कंसेप्ट मैपिंग है और लर्निंग ऑफ कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स है. तो कंसेप्ट फॉर्मेशन और कंसेप्ट मैपिंग पर पहले ही बात कर चुकी हूँ आपसे. ये एक छोटा सा टॉपिक रह गया था लेकिन ये बीच में एक लूप होल क्रिएट कर रहा था, ये बीच में एक गैप क्रिएट कर रहा था. तो इसको भी कम्प्लीट कर लेते हैं ताकि आपको टोटैलिटी में समझ में आ जाए. देखिए लर्निंग ऑफ कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल लर्निंग मतलब लर्निंग ऑफ कंसेप्ट या कंसेप्ट लर्निंग और प्रिंसिपल लर्निंग समझने के लिए हमको गैने की हायरार्की थी समझनी होगी लर्निंग की. और गैने की हायरार्की ऑफ लर्निंग, गैने कंडीशंस ऑफ लर्निंग, इस पर मैं पहले ही आपसे बात कर चुकी हूँ. दो वीडियो ऑलरेडी गैने पे है तो आप वहाँ से उसको समझ सकते हैं. लेकिन एक ये तार जोड़ने के लिए कि कहाँ से ये कंसेप्ट लर्निंग और प्रिंसिपल लर्निंग और उनमें क्या संबंध है, ये मैं आपसे डायग्राम शेयर कर रही हूँ. देखिए गैने ने जो अपनी हायरार्की दी, हायरार्की का मतलब ये होता है कि क्रमानुसार है, पदानुसार है, मतलब सबके पद नियत है, आप किसी को ऊपर नीचे नहीं कर सकते. ये हायरार्की सेट है कि सबसे जो नीचे है वो सिग्नल लर्निंग है, उसके बाद स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग आती है, SR लर्निंग, फिर चेनिंग, फिर वर्बल एसोसिएशन, फिर मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, फिर कंसेप्ट लर्निंग आती है, फिर रूल लर्निंग या इसी को प्रिंसिपल लर्निंग भी कहते हैं, और सबसे ऊपर प्रॉब्लम सॉल्विंग रखा है गैने ने. यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो कठिनतम स्तर है अधिगम का और सिग्नल लर्निंग निम्नतम है. तो ये हायरार्की है और इसका एक मतलब ये भी है कि सबसे पहले सिग्नल से व्यक्ति सीखता है, फिर स्टिमुलस के बाद रेस्पॉन्स, यानी कि स्टिमुलस रेस्पॉन्स का कनेक्शन हो जाता है, यानी कि आप इसको कंडीशनिंग से समझ सकते हैं. फिर ये जब कई स्टिमुलस जुड़ जाते हैं आपस में और तो आदमी सीख जाता है कि कैसे स्टिमुलस किस स्टिमुलस पे कौन सा रेस्पॉन्स देना है. फिर वर्बल एसोसिएशन यानी कि उनमें सह संबंध स्थापित हो जाता है जो वर्बल है. फिर मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, आप उसमें विभेद करना सीख जाते हैं कि अच्छा इस तरीके का एसोसिएशन, ये इस एसोसिएशन से अलग है, वो उस एसोसिएशन से अलग है. और जैसे ही आप डिस्क्रिमिनेट करना सीखते हैं आपका कंसेप्ट फॉर्मेशन हो जाता है कि अच्छा इस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक वाले सारे जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो इस कंसेप्ट के अंतर्गत आएंगे, इसमें ऐसे आएंगे. फिर जब बहुत सारे कंसेप्ट के बीच में एक रिलेशनशिप फॉर्म हो जाता है तब प्रिंसिपल बन जाता है, क्योंकि नियम बन जाता है कि अच्छा इस नियम के अंतर्गत ये सारी अवधारणाएं हैं. और जब व्यक्ति नियम भी सीख जाता है तब वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्थिति में आता है. ये है गैने की हायरार्की ऑफ लर्निंग. तो कंसेप्ट लर्निंग और प्रिंसिपल लर्निंग यहाँ से आया है. अब देख लेते हैं लर्निंग ऑफ कंसेप्ट्स क्या है. मैं आपसे कंसेप्ट फॉर्मेशन पे पहले भी बात कर चुकी हूँ, इससे आप सिर्फ इसको समझिए, आप समझ जाएंगे कि कंसेप्ट लर्निंग ऑल्सो नोन एज, इसको कैटेगरी लर्निंग के नाम से भी जानते हैं, कंसेप्ट अटेनमेंट के नाम से भी जानते हैं और कंसेप्ट फॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं. ब्रूनर का कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल भी है, ये भी कहीं ना कहीं बात मैं आपसे कर चुकी होंगी, आप चेक कर लीजिएगा. तो ये कह रहे हैं कि इतने तो नामों से इसको जानते हैं. और इसका अर्थ क्या है, द सर्च फॉर एंड लिस्टिंग ऑफ एट्रीब्यूट्स, यानी हम ढूंढते हैं उन गुणों को कि जिनको हम लिस्ट बना सके, सूची बना सके, दैट कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश एग्जाम्पलर्स फ्रॉम नॉन एग्जाम्पलर्स ऑफ वेरियस कैटेगरीज. मतलब क्या है कि विभिन्न कैटेगरी हमको मिली हुई है, उसमें हम ढूंढते हैं कि कौन से प्रतिमान, कौन से एक तरीके के एट्रीब्यूट हम एक तरफ कर दें और गैर प्रतिमानों को अलग कर दें. जैसे ही आप प्रतिमान से गैर प्रतिमान नमूने से, मतलब एक जैसी चीजों को एक तरफ रखेंगे, दूसरों को अलग करेंगे, वैसे ही कंसेप्ट फॉर्मेशन हो जाएगा. क्योंकि कंसेप्ट है क्या, मान लीजिए कि एक चौपाए पशु का कंसेप्ट है, सड़क पे चलने वाले पशुओं का कंसेप्ट है, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि एक वो उसका कंसेप्ट कैसे फॉर्मेशन होता है कि वो चार पैरों से चलेगा, वो सड़क पे आपको घूमता टहलता दिख जाएगा, वो इस तरीके का आपका कंसेप्ट बन गया. लेकिन फिर उस कंसेप्ट में अलग अलग हम सीखते हैं कि नहीं, जो डॉग है वो कैट से अलग है, जो कैट है वो हॉर्स से अलग है, जो हॉर्स है वो काऊ से अलग है. तो ये सब क्या है, कंसेप्ट ही तो है. ठीक है, फिर कह रहा है मोर सिंपली पुट कंसेप्ट्स आर दी मेंटल कैटेगरीज, यानी कि हम और सरल भाषा में कहें तो जो अवधारणाएं हैं वो एक तरीके की मेंटल कैटेगरी है, यानी दिमाग में कैटेगरी बनी हुई है. दैट हेल्प अस क्लासिफाई, जिससे हमको मदद मिलता है, हम वर्गीकृत कर पाते हैं किसको, वस्तुओं को, घटनाओं को, विचारों को, बिल्डिंग ऑन दी अंडरस्टैंडिंग दैट ईच ऑब्जेक्ट इवेंट और आइडिया हैज अ सेट ऑफ कॉमन रेलेवेंट फीचर. किस हिसाब से वो उस कंसेप्ट में आया है, उसके पास कुछ कॉमन फीचर्स हैं इसलिए वो उस कंसेप्ट में, दूसरे कॉमन फीचर वाला दूसरा कंसेप्ट, इस तरीके का बना हुआ है. दस कंसेप्ट
learning is a strategy that requires a learner to compare and contrast groups or categories that contain concept relevant features with groups or categories that do not contain concept relevant features, है ना? यानी कि चौपाया पशु चार पैर हैं, सारे इसमें आ गए, चार पैर दो पैर हैं तो उसमें आ गए, तो कंसेप्ट रेलेवेंट फीचर वाले सब एक तरफ, कंसेप्ट इररेलेवेंट फीचर वाले अलग, फिर उस कंसेप्ट में आगे और सब कंसेप्ट बनेगा कि नहीं ये है ये है, अलग अलग करते चलते हैं हम लोग, तो कुछ मतलब कि कॉमन रेलेवेंट फीचर से ही कंसेप्ट का निर्माण होता है, ठीक है ना? इन ए कंसेप्ट लर्निंग टास्क अ ह्यूमन और मशीन लर्नर इज ट्रेन्ड टू क्लासिफाई ऑब्जेक्ट्स बाय बीइंग शोन अ सेट ऑफ एग्जांपल ऑब्जेक्ट्स अलोंग विद देयर क्लास लेवल्स। यानी कि कैसे सिखाया जाता है, आपको सिखाते हैं कि देखो इस वर्ग में इतने उदाहरण हैं, ये सब इसको फुलफिल कर रहे हैं तो ये इस कंसेप्ट का हिस्सा हो गया। द लर्नर सिंप्लीफाइज व्हाट हैज बीन ऑब्जर्व्ड बाय कंडेंसिंग इट इन द फॉर्म ऑफ एन एग्जांपल। और जो लर्नर है, जो सीखने वाला है, वो इस तरह से उसको साधारण बना लेता है कि वो समझ जाता है कि अच्छा ठीक है, इतने सारे गुण अगर होंगे तो ये इस कंसेप्ट का हिस्सा एग्जाम्पल हो जाएगा। दिस सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ व्हाट हैज बीन लर्न इज देन अप्लाई टू फ्यूचर एग्जाम्पल्स। और जो हमने सीख लिया कि अच्छा इस कंसेप्ट में ये गुण होने चाहिए इस अवधारणा में, तो उसको हम दूसरे उदाहरणों में यूज भी कर लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो गया लर्निंग ऑफ कंसेप्ट। फिर लर्निंग ऑफ प्रिंसिपल, हमने कहने की हायरार्की देख ली कि कंसेप्ट हम पहले सीखेंगे तब प्रिंसिपल सीखेंगे। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल में बहुत सारे कंसेप्ट इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि सिद्धांत या नियम में बहुत सारी अवधारणाएं इस्तेमाल होती हैं। तो ये क्या कह रहा है कि प्रिंसिपल इज कंपोज्ड ऑफ टू और मोर कंसेप्ट्स, यानी कि दो या दो से ज्यादा अवधारणाओं से मिलकर नियम या सिद्धांत की रचना होती है, और जो ये कंसेप्ट है उनमें एक क्रमिक संबंध होना चाहिए। ये नहीं कि एक कंसेप्ट वहां एक कंसेप्ट यहाँ, किसी से कोई तालमेल नहीं है प्रिंसिपल बन जाएगा, नहीं। प्रिंसिपल के अंदर जो कंसेप्ट आएंगे उनमें भी कोई रिलेशनशिप होगा, कोई ऑर्डर्ड रिलेशनशिप होगा। अ प्रिंसिपल हैज बीन लर्न्ड व्हेन इट कैन बी शोन दैट अ प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग स्पेसिफिक कंसेप्ट्स कैन बी सॉल्व बाय आइडेंटिफाइंग दीज कंसेप्ट्स करेक्टली एंड प्लेसिंग देम इन द करेक्टली ऑर्डर्ड रिलेशनशिप विद ईच अदर, इन अदर वर्ड्स बाय अप्लाइंग द रूल। क्या कह रहा है? ए प्रिंसिपल हैज बीन लर्न्ड, यानी कि आप एक प्रिंसिपल सीख सकते हैं कब? व्हेन इट कैन बी शोन दैट अ प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग स्पेसिफिक कंसेप्ट्स, यानी कि किसी प्रॉब्लम में कुछ अवधारणाएं आई हैं, स्पेसिफिक कंसेप्ट आए हैं, और उनको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जब आप उन कंसेप्ट को एक जो उनका ऑर्डर है उस ऑर्डर में सेट कर देंगे और तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। द प्रिंसिपल इज ए कैपेबिलिटी दैट मेक्स पॉसिबल द डेमोंस्ट्रेशन ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ बिहेवियर ईच एलिमेंट ऑफ व्हिच मे इन्वॉल्व अ कंसेप्ट। और जो सिद्धांत या नियम है उसके पास ये योग्यता होती है कि जो भी बिहेवियर का सीक्वेंस है और उसमें जो जो कंसेप्ट इन्वॉल्व है, आप जैसे कहने का क्या मतलब है कि कंसेप्ट इसमें इन्वॉल्व है, उसमें कोई रिलेशनशिप है और वो रिलेशनशिप भी ऑर्डर्ड है, जब आप बिखरे हुए कंसेप्ट्स को एक ऑर्डर्ड रिलेशनशिप में लगा देंगे तो अपने आप प्रिंसिपल बन जाएगा। प्रिंसिपल्स आर लर्न अंडर कंडीशंस दैट हैव टू मेजर रिक्वायरमेंट्स। और कब सीखा जा सकता है? नियम सीखने के दो मुख्य उसके रिक्वायरमेंट क्या है, दशाएं क्या है? पहली बात, द कॉम्पोनेंट कंसेप्ट्स ऑफ विच दे आर कंपोज्ड मस्ट बी प्रीवियसली लर्न, यानी कि उस प्रिंसिपल में के अंतर्गत जो कंसेप्ट्स आते हैं वो आपको पहले से पता होना चाहिए, पहले से आप सीखे होंगे तभी वो प्रिंसिपल सीख पाएंगे, एंड रेडिली रिकॉलेबल, और आप उसको रिकॉल भी कर सकें जब आप चाहें तो आपको याद हो जाए, याद आ जाए। एंड कम्युनिकेशन यूजुअली वर्बल मस्ट बी मेड टू द लर्नर इंडिकेटिंग द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज कॉम्पोनेंट्स। और संवाद जो कि ज्यादातर भाषिक होगा, जिससे लर्नर को यह पता चल जाए कि वो जो कॉम्पोनेंट्स या कंसेप्ट हैं उनका करेक्ट सीक्वेंस क्या है, ये दोनों पता होगा तो आप प्रिंसिपल सीख जाएंगे, ठीक है। फिर कहा गया कि लर्निंग एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स इज एन एसेंशियल गोल ऑफ एजुकेशन। हमेशा हमारे पास मूर्त सिद्धांत नहीं होते, कई सिद्धांत अमूर्त हैं जिसको हमको सिर्फ सोचना है, हमको मन में है खाली, हमने देखा नहीं है, छुआ नहीं है, बट प्रिंसिपल्स कैन बी डिफिकल्ट टू एक्वायर, लेकिन इन प्रिंसिपल्स को सीखना थोड़ा मुश्किल है। तो वो कह रहा है कि अगर आप एनालॉजिकल इनकोडिंग कर लीजिए, सीख जाइए, कैन फैसिलिटेट द एक्विजिशन ऑफ ए प्रिंसिपल व्हेन द प्रिंसिपल इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। वो कह रहा है कि जब आपको कोई सिद्धांत सीखना मुश्किल है तो आप एनालॉजिकल इनकोडिंग से वो आसानी से सीखा जा सकता है। अब एनालॉजिकल इनकोडिंग क्या है? इनकोडिंग क्या है? हम कोड बना लें, कोड बनाते चले, डिकोड क्या होता है कि कोड को तोड़ना, इनकोडिंग क्या है? कोड बनाना, और एनालॉजिकल यानी कि समरूप है, कुछ एक जैसे दिखने वाली चीजों के कोड बनाते चलिए। यही कह रहा है कि ए ग्रोइंग बॉडी ऑफ एविडेंस इंडिकेट्स दैट कंपेयरिंग टू एग्जांपल्स कैन फैसिलिटेट लर्निंग एंड ट्रांसफर कंपेयरिंग एग्जांपल्स फोकसेस द लर्नर ऑन द कॉमन रिलेशनल स्ट्रक्चर। क्या क्या कॉमन है ये ढूंढते चलिए। एडिंग एब्स्ट्रैक्शन ऑफ द अंडरलाइंग स्कीमा। आप सबको पता है स्कीमा जो है वो पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हम लोगों ने शब्द पढ़ा है, कंसेप्ट पढ़ा है, तो स्कीमा यानी मेंटल इमेज, तो उस मेंटल इमेज का एब्स्ट्रैक्शन सहायता मिलेगी कि अच्छा अच्छा ये कॉमन फीचर है, ये रेलेवेंट फीचर है जो एक जैसे है।
Thus, comparing two analogues leads to abstraction by focusing the learner on the deep structure shared by the cases. तो अगर हम दो एक जैसे दिख तो एक जैसे रहे हैं लेकिन वो एक है नहीं, तो उनमें जो कॉमन फीचर्स हैं आप उसको एब्स्ट्रैक्ट करते चलिए, अलग करते चलिए, दिमाग में रखते चलिए, तो उससे क्या होगा कि वो जो जो दो एनालॉगस स्ट्रक्चर हैं उनके जो डीप स्ट्रक्चर है शेयर करते हैं वो एक दूसरे के साथ, वो आपके दिमाग में आ जाएगा, उसकी लिस्ट बन जाएगी, सूची बन जाएगी, रादर देन ऑन द इडियोसिंक्रेटिक फीचर्स ऑफ एन इंडिविजुअल केस. यानी कि जो ऊपर से स्पष्ट विशिष्ट दिख रहा है उसको, उसके बजाय जो अंदर डीप स्ट्रक्चर मतलब बीनीथ वो कुछ शेयर करते हैं जो कॉमन फीचर्स हैं उनकी आप लिस्टिंग करते जाइए, तो इससे क्या होगा कि जो एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स हैं उनको लर्न करने में आपको आसानी होगी. तो एनालॉजिकल इनकोडिंग एक तरीके की विशिष्ट, एक तरीके की प्री रिक्विजिट, एक तरीके का फैसिलिटेशन है जैसे आप एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल सीख जाते हैं. और बाकी कॉन्क्रीट प्रिंसिपल्स के लिए तो है ही कि आपको वो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए जो उसमें है और आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए. जैसे ही आप प्रिंसिपल के अंदर यूज किए हुए कॉन्सेप्ट्स का ऑर्डर्ड सीक्वेंस लगाएंगे प्रिंसिपल बन जाएगा, समझ में आ जाएगा. तो यही है जनरली इस पे मैटर नहीं मिलता है. और खासतौर से नेट पे अगर आप लर्निंग ऑफ प्रिंसिपल्स ढूंढेंगे तो नहीं, प्रिंसिपल लर्निंग ढूंढेंगे तो वो लर्निंग ऑफ प्रिंसिपल्स बताता है. मिलता नहीं है प्रिंसिपल लर्निंग जल्दी. तो पहले गायने की हायरार्की समझिए, उसका पद समझिए. प्रिंसिपल लर्निंग ऊपर है, कंसेप्ट उसके नीचे है. प्रिंसिपल सीखने के लिए कंसेप्ट पहले जानना है और कंसेप्ट लर्निंग को ही कंसेप्ट फॉर्मेशन भी कहते हैं, कंसेप्ट अटेनमेंट भी कहते हैं. तो आप ब्रूनर का मॉडल देख लीजिए कंसेप्ट अटेनमेंट का क्या है, वहाँ पे डिटेल है. मैं आपसे कंसेप्ट फॉर्मेशन और कंसेप्ट मैपिंग दोनों ही पहले शेयर कर चुकी हूँ, आप वहाँ से देख लीजिए. तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है. तो सो इन दिस वे आई हैव कंप्लीटेड दिस वेरी टॉपिक टू. सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन. आई हैव डन फ्रॉम माई साइड.